वर्कशॉप 5 दिन चलने वाला है। फर्स्ट डे कोर्स कंटेंट में पहला आप लिखिएगा पाइथन इंस्टॉलेशन, पाइथन इंस्टॉलेशन। सेकेंड लिस्ट टपल एंड डिक्शनरी मैनेजमेंट, लिस्ट टपल एंड डिक्शनरी मैनेजमेंट, ये सेकेंड हम लोग करेंगे, टपल एंड डिक्शनरी मैनेजमेंट। थर्ड आप लिखेंगे लूपिंग एंड ब्रांचिंग स्टेटमेंट, लूपिंग एंड ब्रांचिंग स्टेटमेंट। चौथा लिखेंगे यूजर इनपुट, यूजर इनपुट। और पांचवा लिखेंगे पाइथन स्मॉल प्रोजेक्ट, पाइथन स्मॉल प्रोजेक्ट। ये 5 दिनों का आपका वर्कशॉप आपका है, ठीक है। डे वन आज है, तो आज हम लोग क्या करेंगे, आज हम लोग पाइथन के इंस्टॉलेशन पे आप लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं। सबसे पहले मॉड्यूल हमारा क्या, पाइथन इंस्टॉलेशन, ठीक है। मैं इंस्टॉलेशन को स्टार्ट करने से पहले आप सबसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, और सवाल आपका यहाँ पे ये है कि पाइथन जो है वो दुनिया के नंबर वन लैंग्वेज है, वो तो मैंने आपको बता ही दिया है, ठीक है। सबसे ज्यादा सेक्टर्स में यूज होने वाला लैंग्वेज पाइथन है, क्या है आपको बताया, हर सेक्टर में पाइथन सबसे ज्यादा यूज होने वाला लैंग्वेज है। यस सर, आप कोई भी सेक्टर में चले जाओ पाइथन है वहां, उसी की कोडिंग है, इसलिए वेबसाइट डिजाइनिंग को भी अपने हाथ में ले लिया है, और एमपी से बहुत ज्यादा पीएचडी का पाइथन चल रहा है, ठीक है। और इससे जावा जैसे बड़े प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे जाया था, मैं आपको बता दूं दुनिया की सबसे बड़ी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जिसने एंड्रॉइड तक को थाम के रखा था वो है जावा। इससे जावा को भी बहुत बड़ा चैलेंज दिया है, बहुत जल्दी से इसने पाइथन ने उसकी जगह ले ली है। तो मैं बता दे रहा हूँ जावा जैसे लैंग्वेज को हराना संभव नहीं था, और जिससे जावा को हराना था कोई तो बात थी पाइथन को, ठीक है। तो हम लोग अब इंस्टॉलेशन पार्ट पहले स्टार्ट करते हैं। पाइथन इंस्टॉल करने के लिए ध्यान रखिएगा, सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि आपके पास 64 बिट के ओएस होने चाहिए, यानी विंडोज 10। तो रिक्वायरमेंट भी लिख लीजिएगा, पाइथन रिक्वायर 64 बिट ओएस, पाइथन 64 बिट के ओएस पे कार्य करता है, पाइथन रिक्वायर 64 बिट ओएस, बिट के ओएस पे कार्य करता है, जिसमें जिसे python.org, जिसे python.org वेबसाइट के द्वारा फ्री डाउनलोड किया जा सकता है, जिसका फ्री डाउनलोड बाय python.org वेबसाइट, जिसे python.org वेबसाइट के द्वारा फ्रीली डाउनलोड किया जा सकता है, फ्री डाउनलोडेड बाय python.org वेबसाइट, ठीक है। तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि आपको इसको किससे डाउनलोड करना, फ्रीली डाउनलोड आप करेंगे python.org वेबसाइट से, सबसे पहली चीज फ्रीली डाउनलोड कर सकते हैं। तो आप python.org स्टार्ट करेंगे, पाइथन का लेटेस्ट वेबसाइट आपको मिलेगा, आप डाउनलोड करेंगे और डाउनलोड करके इंस्टॉल करेंगे, बट विंडो 10 होना कंपल्सरी है, पहली चीज, ठीक है। अब ये आपको ध्यान रखना है कि पाइथन बाय डिफॉल्ट जो है, जो आप लोग को पाइथन का भी वर्जन मिलेगा लेटेस्ट वर्जन, आप डाउनलोड करोगे तो आपको ये ध्यान रखना है कि पाइथन आपको मिलेगा डॉस टाइप के मोड में, यानी कमांड मोड में मिलेगा, जिससे आपको लिख लिख के सारे काम चलाने पड़ेंगे, ठीक है। तो शुरुआत में आप लोग कुछ लिख के काम चलते हैं, उसके बाद फिर मैं आईडी भी स्किल डाउनलोड करता था आपसे। तो जिनके पास अभी लैपटॉप ऑन है वो चाहे तो पाइथन अभी भी डाउनलोड कर सकते हैं python.org से, और जिनको लैपटॉप स्टार्ट नहीं है तो वो घर में कर लेंगे पाइथन को स्टार्ट। सर विंडोज है ना, विंडोज नहीं कर रहा क्या, इसके बाद आपको ध्यान रखना जब पाइथन इंस्टॉल होगा तो आपको इस तरह के साइन आपको देखेंगे जो इंडिकेट करेगा पाइथन का प्रॉम्प्ट, जिसमें आपको क्या करना सारे काम आपको करने पड़ते हैं, ठीक है। और इसमें आपको ये ध्यान रखना कि पाइथन एक इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है, ध्यान रखिएगा। और इस कारण से आपको ध्यान रखना कि आप हम लोग क्या कहते हैं इंटरप्रेटर के द्वारा जो आप कोड लिखेंगे उसका 01 इंटरप्रेटर से होगा, ये मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो हम लोग कुछ बेसिक काम पाइथन में स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले जो कमांड में हमें काम चालू करना है तो इसमें थोड़ा लिख लेंगे, पाइथन इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है, पाइथन इज एन इंटरप्रेटेड लैंग्वेज जो सिंगल लाइन कोड को
जो सिंगल लाइन कोड को एंटर और मशीन कोड में कन्वर्ट करता है, विच कन्वर्ट द सिंगल लाइन कोड टू मशीन कोड। सिंगल लाइन कोड को मशीन कोड में कन्वर्ट करता है, विच कन्वर्ट द सिंगल लाइन कोड टू मशीन कोड। ठीक है, अब ये आपको ध्यान रखना कि एक एक लाइन के कोड से हम लोग क्या करके स्टार्ट कर रहे हैं, कहां स्टार्ट कर रहे हैं। पहला प्रोग्राम आप देखिए पाइथन के द्वारा हेलो वर्ल्ड मैसेज को प्रिंट करें, प्रिंट हेलो वर्ल्ड मैसेज टू पाइथन। पाइथन के द्वारा हेलो वर्ल्ड मैसेज को प्रिंट करें, प्रिंट हेलो वर्ल्ड मैसेज फ्रॉम पाइथन। ठीक है, तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना इंस्टॉल करने के बाद आप क्या करेंगे, आप सीधा प्रिंट हेलो वर्ल्ड ऐसे लिखेंगे और इसको क्या कर देंगे, बंद कर देंगे और एंटर मारेंगे तो आप यहाँ पे देखिएगा कि आपको रिजल्ट में हेलो वर्ल्ड क्या होगा दिखेगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपको यहाँ पे क्या करना, सिंपल लाइंस को एंटर करना आपको सीखना है। और अगर आप इस कोड को ध्यान से देखें तो इस कोड को कितना आसान सीखने में आपको लगा, प्रिंट हेलो वर्ल्ड लिखने में कोई बहुत बड़ा लॉजिक है क्या, कोई जरूरी है क्या कि आप कंप्यूटर साइंस से हो, बीकॉम वाले भी लिख सकते हैं, एसी वाला भी लिख सकता है। ठीक है, तो सीधा प्रिंट एक इनवर्टेड डबल इनवर्टेड कॉमा पे हेलो वर्ल्ड आपने लिखा, आंसर हेलो वर्ल्ड आ गया, यानी आपका आंसर प्रिंट हो गया।